हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का फोर्थ पार्ट, जो कि आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स यानी कि अभिलेखागार और संग्रहालय से संबंधित है, को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं अपनी पिछली तीन वीडियो के अंदर आपको बता चुकी हूँ कि अभिलेखागार और संग्रहालय को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्वेश्चन वाइज होता है, तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्या संग्रहालय सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में योगदान देते हैं? विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। प्रस्तावना। संग्रहालय अपने आप में ही एक ऐसे स्थान होते हैं जहां पर किसी भी देश विशेष के ऐतिहासिक वास्तुकलाओं, मिट्टी के बर्तन, ईंटें, मनके, मूर्तियां, सिक्के आदि को संजोकर रखा जाता है। ऐसा करने से उस देश के इतिहास को एक आधार प्रदान होता है तथा उस देश के कलाकारों, व्यापारियों, आर्थिक स्थिति आदि का पता लगाया जा सकता है। परिभाषा। संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है और इसमें मानव और पर्यावरण की विरासतों के संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रशासन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, पुरावेशों के संग्रह में पुरातत्व का योगदान। मैं आपको इस वाले पॉइंट को पहले भी बता चुकी हूँ और मैंने इस वाले पॉइंट का दोबारा से यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये पुरावेशों हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर, कि संग्रहालय सांस्कृतिक धरोहर को कैसे संरक्षित करते हैं या फिर कैसे उसके अंदर अपना योगदान देते हैं, तो उसके अंदर ये वाला पॉइंट लिखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वाला पॉइंट ऐड किया है। बढ़ते हैं आगे। सन 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक पुरावेशों के संग्रह एवं नवीन खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। पुरातत्व के माध्यम से ही प्राचीनतम संस्कृति सिंधु सभ्यता की जानकारी पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत की जा सकी है। सिंधु सभ्यता से जुड़े पुरातात्विक स्थल हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, कोटदीजी, मिथाथल, राखीगढ़ी, रंगपुर, आलमगीरपुर, दयामाबाद एवं धौलावीरा इत्यादि पुरास्थलों से प्रस्तुत मूर्तियां, धातु मूर्तियां, मृतभांड, मनके, स्नानागार, अन्नागार, मुद्राएं, मोहरे तथा सामाजिक जीवन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न संग्रहालयों में इन पुरावेशों को संरक्षित किया गया है, जिस पर इतिहासकारों द्वारा समय समय पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। यह सभी कारण है जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानजनक बनाते हैं। ऐसा केवल इसके प्राचीनतम एवं इसकी प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया है। आगे बढ़ते हैं। पुरास्थलों से प्राप्त वस्तुएं, यानी कि जो पुरातात्विक स्थल होते हैं, पुरास्थल होते हैं जहाँ से हमें चीज़ें जो मिलती हैं, उनसे हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। इसका फर्स्ट सब पॉइंट है, पुरास्थलों से प्रस्तर मूर्तियाँ, धातु मूर्तियाँ, मृत मूर्तियाँ, ठीक है, मनके, स्नानागार, अन्नागार, मुद्राएं, मोहरे तथा डॉकयार्ड, देवी देवताओं की मूर्तियाँ आदि से सिंधु सभ्यता के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक तथा सामाजिक जीवन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी वस्तुओं की जानकारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को महत्व देती है। अब आप ये सोचोगे कि मैम ने बार बार सिंधु घाटी का ही क्यों उदाहरण दिया है, तो बच्चों मैंने सिंधु घाटी का उदाहरण इसलिए बार बार दिया है क्योंकि हमारी ये सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता है जो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड और मॉडर्न थी। इसलिए मैं बार बार सिंधु घाटी का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि सिंधु घाटी से ज़्यादा एडवांस सभ्यता आज तक इंडिया के अंदर, फिर इंडिया के अंदर ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर भी इससे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं मिल पाई है। हाँ, जो मिस्र और यूनान का जो इतिहास है वो इसके इतिहास से मिलता है, बट सिंधु सभ्यता इज़ बेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड सब पॉइंट की तरफ, मौर्य काल। अब देखिए, मैंने मौर्य काल का भी उदाहरण लिया है। मैं चाहती तो गुप्तकाल का भी उदाहरण ले सकती थी क्योंकि गुप्तकाल के अंदर भी बहुत सारी, गुप्तकाल को ऑब्वियसली सब बच्चे जानते हैं कि गुप्तकाल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेन उन जगहों के नाम बता रही हूँ जहाँ पर हमें ठोस सबूत मिले हैं
ठोस ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको हम संग्रहालयों के अंदर संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, मौर्य काल का प्रभावशाली और पावन रूप पत्थरों के इन स्तंभों में सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, संकीसा और वाराणसी जैसे क्षेत्र में आज भी पाया जाता है। मौर्य काल के नवीन एवं महान रूप का दर्शन अशोक के स्तंभ में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा फिफ्थ पॉइंट है ताम्र निधियों एवं मुद्राओं का योगदान। बच्चों ध्यान रखना अपने जहन में, ये बात बिल्कुल अच्छे से गांठ मार लो, तुम अच्छे से अपने अंदर बसा लो कि हम इस वाले जो क्वेश्चन के अंदर उन सब पॉइंट को लिखेंगे, उन सभी चीज़ों को लिखेंगे जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को योगदान देती है। आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़ मत होना कि जो ये क्वेश्चंस हैं हमने रिपीट कर दिए या फिर ऐसा कुछ है, आपको वो हर एक पॉइंट लिखना होगा जो सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करता है, जिससे हमारे इतिहास को एक आधार मिलता है, एक ठोस चीज़ मिलती है, जिससे कि हम सामने वाले को प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ हमारे पास ये चीज़ें थी और हमारा इतिहास इतना समृद्ध था। बढ़ते हैं आगे, भारत के आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास के निर्माण में मुद्राओं का भी अभूतपूर्व योगदान है। इन मुद्राओं से तत्कालीन शासक और उसका समय तो ज्ञात होता ही है, साथ ही भाषा, लिपि, धर्म, समाज और आर्थिक दशा का भी ज्ञात होता है। आहत प्रकार के सिक्के सबसे पुराने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आहत सिक्के हैं वो सबसे पुराने माने जाते हैं, जिसमें धार्मिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। इन सिक्कों का भारी भंडार मध्य प्रदेश के सागर जिले में एकरण नामक स्थान तथा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती नामक स्थान से मिले हैं और समय समय पर अन्य स्थानों से मिलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल के बाद की मुद्राएं, यानी कि मौर्य काल के बाद की मुद्राएं, उनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। मौर्य युग के पश्चात की मुद्राएं अधिक व्यवस्थित और सुंदर है तथा विभिन्न राज्यों और राजवंशों की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं समय समय पर मिलती रहती हैं, जिनसे समाज और धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। यवन, पल्लव, कुषाण एवं सतवाहन, गुप्त, राजपूत, मुगल तथा भारत में ब्रिटिश शासन की तत्कालीन मुद्राएं इत्यादि विभिन्न राजवंशों के सिक्के मिले हैं, जो अपने अपने युग पर प्रकाश डालते हैं। इसमें से गुप्त सम्राटों के सोने के सिक्के अभूतपूर्व हैं, जो कि भारतीय सभ्यता के समृद्ध होने का दर्पण दिखाते हैं। कि कौन सबसे बेस्ट सिक्के हैं गुप्त काल के, बच्चों अपने मन में बिल्कुल बिठा लीजिए ये बात कि गुप्त काल को स्वर्ण काल इसी रीज़न की वजह से कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ जो थी वो बेस्ट थी, चाहे वो उसका मसाले हो, चाहे वो उसकी मुद्राएँ हों, चाहे वो राजा हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो उस टाइम का ट्रेड हो, हर एक चीज़ जो थी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मान लीजिए कि वहाँ का हर एक इंसान रिच था, उस समय का हर एक इंसान हमारा रिच था, तभी उस वाले काल को गुप्त काल कहा जाता है या फिर स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तभी उस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हमारा सेवंथ पॉइंट है आधुनिक इतिहास की घटना का संग्रह। मुगल साम्राज्य के पतन के समय से भारत के आधुनिक इतिहास का निर्माण होता है। गुलामी की दासता झेलने के बाद भारतीयों ने आज़ादी की जो जंग छेड़ी उसमें 1857 की घटना विश्वविख्यात है। आज़ादी प्राप्ति के लिए घटित घटनाओं एवं उसके दस्तावेजों को भी संग्रहालय द्वारा संग्रहित किया गया है। संग्रहित अभिलेखों जैसे मेमोरियल, शिलालेख, पत्र, स्मारकों, चित्र तथा 1857 से जुड़े शोध पत्रों का संरक्षण विभिन्न संग्रहालयों द्वारा किया गया है। भारतवर्ष में देश की आज़ादी हेतु चलाए गए आंदोलन, सत्याग्रह एवं अन्य घटनाओं पर विद्वानों द्वारा शोध कार्य किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इतिहास में संग्रहालयों का महत्व। क्या बोला मैंने? इतिहास में संग्रहालयों का महत्व। इन संग्रहालयों का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि यह किसी भी देश विशेष की सांस्कृतिक धरोहर को आधार प्रदान करता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो केवल पुरातत्वविदों की खोजों से प्राप्त बर्तन, सिक्के, ईंटें, मनके, प्रस्तर मूर्तियां, अभिलेख आदि से भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चल पाया था, तथा आज तक इन सभी वस्तुओं को संग्रहालयों द्वारा ही संरक्षित किया जा रहा है, जो कि सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
बहुत इम्पोर्टेंट था ये। हम आते हैं अपने कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि जैसा हमारा आंसर होता है उसी के बेस पे हमारा निष्कर्ष होता है। अगर आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो अपने निष्कर्ष के अंदर वो चीज़ आप डाल सकते हैं। तो मैं निष्कर्ष पढ़ती हूँ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संग्रहालय में उपस्थित वस्तुओं से हमारी सांस्कृतिक धरोहर बची हुई है। इन्हें समय समय पर जन सामान्य के लिए खोला जाता है ताकि वह अपनी संस्कृति के बारे में कुछ जान सके, जिसमें मौर्य काल तथा ऐसे कालों के अवशेष भी उपलब्ध हैं जो भारत जैसे देश को गौरव की अनुभूति करवाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संग्रहालय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने में योगदान देते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को प्रचलित करते हैं। तो ये था हमारा निष्कर्ष। अगर आप आंसर लिखते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो आप अपने निष्कर्ष के अंदर वो चीज़ डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस क्वेश्चन में से या फिर किसी और क्वेश्चन में से कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।